हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर लूजिंग देयर मनी इन ट्रेडिंग। आपका करियर स्टार्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो ट्रेडिंग की और होता क्या है, दो चार दिन प्रॉफिट होता है, एक महीने तक प्रॉफिट होता है, उसके बाद लॉस हो जाता है, सारी चीजें खत्म। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? जब भी कोई स्टार्ट करता है इस माइंडसेट के साथ कि भाई मैं इसे पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स बनाऊंगा या यहां से मैं कुछ अर्निंग करूंगा, मतलब हर एक इंसान का माइंडसेट यही होता है जब वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि स्टार्ट करने के बाद बहुत ही जल्दी आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन डिटेल्ड वीडियो होने वाला है इमोशनल ट्रेडिंग और जो दूसरा मेन फैक्टर आता है विच मनी यू आर यूजिंग फॉर योर ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग मतलब आप अपने अकाउंट में कौन सी रियल मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। ठीक है, तो आज हम इन दोनों पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं जाएगी तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं वीडियो के अंदर कि आप इमोशनल ट्रेडिंग में चले जाते हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप इसको एज अ पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स बना सको और आगे तक जा सको। मतलब जल्दी से खत्म नहीं होना, थोड़ा लंबी रेस के लिए सोचना है। ठीक है, हम मैराथन के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, 100 मीटर रेस के लिए नहीं जा रहे, पहली बात तो ये दिमाग में रखो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे कि भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कुछ भी नहीं होता, ग्राफ है, अप एंड डाउन पे आपको ट्रेड लेनी होती, इसके पीछे गाइस बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है। हाँ, तो मतलब जब आप ट्रेड लेते हो ना तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने अप के लिए ट्रेड ले लिया और आप हार गए, डाउन चला गया मार्केट, ऐसा कुछ नहीं होता। अप एंड डाउन को एक बार साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं जब आप ट्रेड लेते हो तो आपकी माइंड की साइकोलॉजी क्या होती है, आप उस टाइम पे माइंडसेट क्या होता है, क्या सोच रहे होते हो। तो इसमें जो मेन फैक्टर आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का। मैंने आपको दो पॉइंट डिस्कस किए थे, इमोशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट वाला प्लान। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बात अपने ध्यान में रखो, अपनी हार्ड एंड मनी यहां पर इन्वेस्ट नहीं करनी है, यहां पे वो मनी इन्वेस्ट करो जिसके लॉस होने पे आपको ज्यादा नुकसान ना हो। क्यों, ये बात मैंने आपको क्यों कही है? अब लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा तो कोई पैसा नहीं होता जो हम, मैं हार गया तो मुझे नुकसान नहीं होगा। ऑफ कोर्स आपको नुकसान तो होगा चाहे कोई भी पैसा हो, लेकिन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, अगर आपके पास अपना हार्ड एंड मनी है, यानी कि आपने किसी ने लोन लिया है, आपने बहुत मेहनत से कमाया है, या फिर ऐसा पैसा जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको आप खो नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे, तो उस कंडीशन में जब आप ट्रेड लेते हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा, और उस पैसे पे जब आप ट्रेड लेते हो तो होता क्या है, आपके मन में एक फियर आ जाता है। मतलब आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि भाई अगर मैं ये पैसा हार गया तो क्या होगा, और उस कंडीशन में आपका जो दिमाग है ना वो गलत डिसीजंस ले लेता है। यानी कि जो पैसा है उसको खोने का जो डर होता है ना आपके मन में, आपके दिमाग में, वो डर ऐसा है जिसकी वजह से आप अपना सारा पैसा लॉस कर देते हो। तो यहां पे मेन फैक्टर आता है कि आपको कभी भी अपना हार्ड एंड मनी यूज नहीं करना, अगर आप करना भी चाहते हो तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड रीजन जो हमने लिस्टेड किया था आज की वीडियो के लिए, इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, पहला फैक्टर आता है हमारा मनी जो हम इन्वेस्ट करते हैं, सेकंड आता है इमोशनल ट्रेडिंग। आप लोग यार ये सोच रहे होंगे कि इमोशनल ट्रेडिंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस वीडियो का मतलब क्या है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, गौर से सोचोगे ना तो आपको चीजें समझ आएंगी। इमोशनल ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपकी ट्रेडिंग के ऊपर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। इमोशनल ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, मतलब ग्रीड, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि जब हम ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आप ट्रेड लेते हो, आपके अकाउंट में $100 है, आपने ट्रेड लिया, स्टार्ट किया आपने $1 $2 के साथ, जो कि हर कोई ऐसे ही करता है, मतलब 90% ऑफ केसेस में। और उसके बाद क्या होता है, जब आपको प्रॉफिट हो जाता है, $2 की आपने ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हुआ 1.60, अगर 80% प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूं, तो 1.60 के प्रॉफिट होने के बाद आप सोचते हो कि यार मुझे तो प्रॉफिट हो गया, दोनों ट्रेड में विन कर गया, तो अगली ट्रेड में लेता हूं $50 की, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके चक्कर में क्या होता है, प्रॉफिट आपका हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर हो गया तो, और नहीं होता तो आपको वो पैसा चला जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, एक और ट्रेड लेते हो, अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप सोचते हो यार भैया मेरे को तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो मैं सारे ही पैसे की ट्रेड ले लेता हूं। ठीक है, तो वो ग्रीड आ जाता है आपके मन में, और वो जो ग्रीड आता है ना सबसे बड़ा एनिमी होता है ट्रेडिंग के लिए। देखो ये जो मार्केट है ना इतना भी बुरा नहीं है जितना इसके बारे में लोग बोलते हैं, यहां से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको दो पॉइंट बताया, इस पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रीड पे आपको कंट्रोल करना जरूरी है जब आप ट्रेड लेते हो। दूसरी कंडीशन भी मैं बताता हूं, पहली कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया इमोशनल ट्रेडिंग में ग्रीड, दूसरी कंडीशन ये रहती है
कि जब आप ट्रेड लेते हो ना, एक कंडीशन जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो ज्यादा प्रॉफिट के लिए, दूसरा जब आप लॉस करते हो तो उस लॉस रिकवरी के लिए भी आप सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सो गाइस सेकंड केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप ट्रेड लेते हो ना तो लॉस रिकवरी के चक्कर में मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूं, अपना पैसा हार जाते हैं सिर्फ लॉस रिकवरी के चक्कर में। यार अब एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि यार जब आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसे कमा के दे सकता है, तो ग्रीड और मनी का जो कॉम्बिनेशन, यानी अपने इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन, इसको आप ठीक क्यों नहीं कर सकते? मेरा इन द एंड मोटिव यही रहता है कि आप यहां से पैसा कमा के जाओ, लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं कि यार लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आपको ना, अब मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या ऐसी चीज करनी है कि अपने ग्रीड पे आप कंट्रोल कर सको। मैं आपको वो पैसे यहां पे सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट करने के लिए जो हारे आप, यानी कि अगर गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अभी आईपीएल चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है आईपीएल के मैचेस आप देख रहे हो, अगर कोई टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है तो उसके जो बैट्समैन होते हैं उसके ऊपर कम प्रेशर होता है, उनके ऊपर ये होता है कि भाई मुझे अच्छा सा स्कोर चाहिए बोर्ड पे, स्कोर बोर्ड पे मुझे अच्छा सा स्कोर चाहिए, उसके बाद हम कम्पीट कर लेंगे। लेकिन जो सेकंड बैटिंग करने आता है उसके जो बैट्समैन है उनपे क्या प्रेशर होता है कि हमें जो वो स्कोर है उसको चेज करना है, ठीक है? तो यहां पे भी साइकोलॉजी वर्क करती है। ऑफ कोर्स कुछ होते हैं जो साइकोलॉजी, यानी जो माइंड का जो प्रेशर होता है उसको हैंडल कर लेते हैं और अच्छी खासी इनिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो न्यू बैट्समैन होते हैं या फिर कोई ऐसे जो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और जल्दी आउट हो जाते हैं गलत शॉट खेल के। तो वही यहां पे है, सेम एग्जांपल विद ट्रेडिंग। हम जब ट्रेड करते हैं इमोशनल ट्रेडिंग, एंड आपका जो पैसा है उसकी जो प्रेशर है ना, वो आपको ट्रेड नहीं करने देता, कुछ गलत डिसीजन आपसे दिलवा देता है जबरदस्ती, नहीं चाहते हुए भी। सॉल्यूशन ये है कि आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। हमें ना, आपने फॉरेक्स में ट्रेड ली होगी तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। मतलब यहां पे भी सेम चीजें करनी पड़ेंगी आपको। अब आप लोग बोलोगे भाई ये फॉरेक्स थोड़ी है। जी हाँ यार, फॉरेक्स तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें हमारे पैसे पे मैनेजमेंट चाहिए। हमें अगर हमारे इन्वेस्टमेंट $10 की है तो हमें एक फिक्स रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा डे वाइज। अब रिटर्न का क्या फंडा है मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये जो मार्केट है ना, ये बहुत अच्छा मार्केट है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आप यहां से अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो, लेकिन भाई करोड़पति बनने के लिए नहीं है। मतलब ऐसा मत सोचना कि आप $10 इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। अगर ये सोच आपकी रहेगी तो यहां से आप कुछ भी नहीं ले पाओगे जिंदगी भर। यहां से अगर पैसा कमाना है ना, तो इन्वेस्टमेंट की सोचो और रिटर्न की सोचो। मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं, जब आप बैंक में जाते हो या FD कराते हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कुछ भी, तो आप मंथली कुछ पैसा देते हो, उस पर आपको कुछ रिटर्न मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो अलग हो जाती है चीजें, FD की बात करते हैं। तो जब आप FD करवाते हो, यानी फिक्स डिपॉजिट, तो वहां पे क्या होता है ना, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसका मंथली या फिर 6 महीने के बाद या 1 ईयर के बाद आपको कुछ रिटर्न मिलता है। तो वो रिटर्न ऐसा नहीं होगा कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो आपके पास 1,00,000 का रिटर्न आ गया, ऐसा नहीं होता दोस्त। अगर आपने 1,00,000 इन्वेस्ट किया है तो आपको 1 साल बाद 10,000 मिलते हैं, कुछ ऐसा फंडा होता है उनका, ठीक है? तो मतलब एग्जैक्टली मैंने ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब ये मत समझना कि इतना ही मिलता है, कुछ आसपास लगभग। तो आपको भी ये जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपके माइंड में चीजें जो चलती है वो इस तरीके की चलनी चाहिए कि मुझे यहां से रिटर्न लेना है। अगर मैं $100 इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मंथली मुझे उसका कुछ फिक्स परसेंटेज रखना पड़ेगा प्रॉफिट का। जैसे ही मेरा वो फिक्स परसेंटेज एग्जैक्टली क्रॉस कर जाता है तो मुझे वहां पे स्टॉप होना है। इसी तरीके से आपको डे वाइज करना पड़ेगा। देखो ये चीजें करने सुनने में बहुत अच्छी लग रही होंगी या फिर बोलने में मुझे बहुत आसान लग रही है, लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं। लेकिन अगर आपको यहां से प्रॉफिट चाहिए तो ये चीजें करनी ही पड़ेंगी दोस्त। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मनी मैनेजमेंट प्लान। मतलब सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। आपको हर एक दिन का स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है। मतलब अगर आपके पास $10 की इन्वेस्टमेंट है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कितने लॉस पे मुझे रुक जाना है। तो अगर आपको $2 का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, मतलब लगाने का मतलब अपने मन में सोचते हो कि $10 का अगर मैं $2 हार जाता हूं तो मैं आज के दिन ट्रेड नहीं लूंगा, फिर मैं कल ट्रेड लूंगा फ्रेश माइंड के साथ, सब कुछ फ्रेश होगा, कल ट्रेड लूंगा, तो मैं ये चीजें होनी चाहिए। और टेक प्रॉफिट का मतलब ऐसा नहीं कि अगर आज आप $10 इन्वेस्ट किए उस पे आपको $1-$2 का रिटर्न मिल चुका है आज के दिन का, तो आपको ये नहीं सोचना गाइस कि मैं और प्रॉफिट के लिए जाऊं। अगर आपका डिसाइडेड प्रॉफिट, कैलकुलेटेड प्रॉफिट कंप्लीट हो जाता है टारगेट, तो आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है। सबसे ज्यादा ब्यूटी इस मार्केट की ये है कि आप कैलकुलेटेड प्रॉफिट के साथ यहां से मंथली कुछ अर्न कर पाओगे, लेकिन अगर आप जाते हो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ,
बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो छोटे से रिटर्न के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रख के चल रही है। एक चीज और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताने के लिए प्रॉमिस किया था कि अगर आप हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, चाहे हार्ड एंड मनी हो आपकी, चाहे आप कोई और पैसा डाल रहे हो। लेकिन हार्ड एंड मनी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जो कि किसी और काम के लिए है और इंपॉर्टेंट है और आप वो ट्रेडिंग में लगा रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी साइकोलॉजी डिफर होती है, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा और कम रखना पड़ेगा। मतलब आपको प्रॉफिट का जो रेशियो है वो तो चलो आप जितना है चलेगा जो आप नॉर्मली रखोगे, लेकिन आपको लॉस का और भी कम रखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली $100 के अकाउंट पे $3 या $4 $5 $10 का पर डे का लॉस रख रहे हो, तो उस पे अगर हार्ड एंड मनी है तो उस पे थोड़ा 80% कम, मतलब सॉरी 50% और कम कर दो, इतना आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो यार, एक चीज क्लियर रखो अपने माइंड में, आज प्रॉफिट नहीं मिलता है तो आपको कल जरूर प्रॉफिट मिलेगा, कल नहीं मिलता तो आपको परसों मिलेगा, लेकिन हमें परसों तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप आज ही अपना सारा पैसा खत्म कर देते हो ना ट्रेडिंग के अंदर, तो परसों तक पहुंचोगे कैसे आप? मेन बात तो यहां पे आती है ना, हमें लॉन्ग रेस के लिए जाना है, मैराथन के लिए जाना है भाई, 100 मीटर के लिए नहीं जाना। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए यार। लॉस रिकवरी भी तभी पॉसिबल है जब आप अपने सारे पैसे खर्च नहीं करते। अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे तभी तो लॉस रिकवर करोगे ना। अगर आप सारा ही पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है जहां साइकोलॉजी और डिफर काम करती है और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है आपके माइंड की, कि मैं ऑलरेडी लॉस कर चुका हूं, ये मेरे पास नया पैसा है, बहुत मुश्किल से मैंने लाया हूं, और इस पैसे पे मुझे पुराने पैसे का लॉस रिकवर करना है। भाई मुश्किल चीज है, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट होगा और आपका माइंड और ही तरीके से वर्क करेगा। यार वीडियो कुछ लोगों को लग रही होगी कि जरूरी नहीं है, बट बहुत ज्यादा जरूरी है ये जो दो पॉइंट है। और मैं डेली जो लोगों से बात करता हूं ना, मतलब जो मैसेजेस आते हैं मेरे पास, कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया, तो यार समझ आता है लोग गलती क्या कर रहे हैं। एंड मेजर जो गलती है वो यही है, मतलब यहां पे आपको ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना है जिसका लॉस होने में आपको ज्यादा नुकसान ना हो। तो मतलब लॉस होगा नहीं, उस कंडीशन में आपका माइंड ऐसे काम करेगा कि आपको प्रॉफिट होगा इन द एंड, मतलब मंथ के एंड में। दूसरा, आपको प्रॉफिट ज्यादा एक्सपोनेंशियली कमाने की नहीं सोचना है, आपको सोचना है रिटर्न की। ये चीज याद रखना, आपको मतलब ऐसा सोचना है कि आपको ब्याज मिल रहा है अपने पैसे पे, दैट्स इट, इतना ही कमाना है आपको। ज्यादा कमाने की सोचोगे तो सब कुछ कमा दोगे यहाँ पे, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट उस ब्याज को कलेक्ट करते करते, यानी अपनी रिटर्न को कलेक्ट करते करते बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर उस पर आपका रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको लंबा जाना जरूरी है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी, क्यों लोग यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं जा पाते, रीजन यही है, अपना पैसे ज्यादा लालच के चक्कर में खत्म कर देते हो, है ना। ये गलती मैंने भी की थी जब मैंने बहुत पहले शुरू की थी ओलिम्पिक के साथ काम करना या किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करना, तो ये गलती मुझसे भी हुई थी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सीख नहीं पाते, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं लाइक आपने कर दिया होगा, कॉमेंट आपने कर दिया होगा, एंड अगर पसंद आती है तो आप जैसे भाइयों के पास पहुंचाओ जिन्हें जरूरत है इस वीडियो की, जो अपना पैसा हार जाते हैं, लॉस कर जाते हैं। एंड गाइस, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके गाइस, और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद our channel, and thank you so much for watching this video till the end.